आज हम आपको काइन मास्टर में न्यू प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, जिस पर हमें एडिटिंग का काम करना है। सामने आपको काइन मास्टर की एप्लीकेशन दिख रही होगी। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा। अब आपको वीडियो का साइज सिलेक्ट करना है। ये तीन साइज हैं, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं, मगर आपको 16:9 चुनना है। ये आपका 16:9 का प्रोजेक्ट बन गया। ये HD प्रोजेक्ट है, जो फुल स्क्रीन है और इसको आप TV पर भी देख सकते हो। जिस वीडियो को आपको एडिट करना है उसको मीडिया टूल से सिलेक्ट करके ले आएं और उसको एडिट करें। जहाँ कहीं भी आपका वीडियो फाइल या पिक्चर्स है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करें और उसको ले कर आएँ। यहाँ पर व्हाट्सएप वीडियो, फेसबुक, कैमरा, कहीं भी जहाँ भी आपने सेव की है वहाँ से लेकर आएँ। मैं एक पिक्चर्स को लेकर आ रहा हूँ, जिसको हम काइन मास्टर के टाइमलाइन पे एडिट करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये पिक्चर टाइमलाइन पर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आप इस निशान पर क्लिक कर दें। अगर आप इस पिक्चर का जूम इन जूम आउट हटाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे हटेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पिक्चर्स को क्लिक करें जिसका आप जूम इन जूम आउट हटाना चाहते हो। इसके बाद इस क्रॉप टूल को पर क्लिक करें। क्रॉप टूल क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखिए। ये ऑप्शन आ गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हाँ, ये हो चुका है क्लिक, ये रेड हो जाता है, चारों तरफ से क्लिक हो गया है। अब आप यहाँ पर अपनी दोनों उंगलियों को रखकर दोनों उंगलियों को अंदर की तरफ प्रेस करें, जितना आप पिक्चर को छोटा चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि पिक्चर जूम इन जूम आउट नहीं हो रही है। अब हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, प्ले हो रही है और पिक्चर अपनी एक ही जगह पर है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप जूम इन जूम आउट चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस ऑप्शन से हटा लें। अगर आप काइन मास्टर को पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें बताएं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो का पता लग जाए। लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट करें।